कभी प्रेमी के रूप में रास रचा कर प्रीत की रीत निभाने लगा, कभी सारथी बन कर अर्जुन को रण की रण नीति सिखाने लगा। भव से भव पारी लगाता है जो खुद बंधन मुक्त हुआ ही नहीं। ऐसा कान्हा ने शैशव रूप धारा पुत्र धर्म की रीत निभाने लगा। बेटा होता तो ईश्वर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे थे, वो एक ही चरित्र ऐसा है जिसको हमने चोर कहा उनको बुरा नहीं लगा, हमने छलिया कहा उनको बुरा नहीं लगा, जबकि वो हमारे भगवान हैं, ईष्ट हैं। गोकुल छोड़कर जब मथुरा जा रहे थे तो सब लोग बड़ा परेशान हो गए कि अब कृष्ण चले जाएंगे तो हम कैसे यहाँ जीवित रहेंगे, बचपन से इनकी रास लीलाएं देखी। तो वहां पर एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे उद्धव, जिनको अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था। तो उन्होंने कहा, कृष्ण तुम जाओ जाओ, हम इन्हें समझा देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, तो उस मुस्कुराहट से मैंने ये कल्पना बोध किया कि भगवान श्री कृष्ण क्यों मुस्कुराए होंगे, क्या कारण होगा जो उद्धव के अहंकार को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। तब मैंने एक कल्पना की कि उद्धव तुम किसको समझाने जा रहे हो, यमुना को, नंद बाबा को, गोकुल को? भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे आई एक धूल का कण भी तो उनके प्रेम के अनुबंध में बन गया है। तो उद्धव, इट्स अ वेरी टफ टास्क टू यू, तुम किसको समझाने जा रहे हो, प्रेमी लोग। तब मैंने चार पंक्तियां कहने की कोशिश की, मैं भी थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करता हूँ, सुन लीजिएगा। यमुना तट को, वन शिवट को, मन के हट को समझाओगे कैसे, मन के हट को समझाओगे कैसे, राधा के नैनों के नीर को, मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे, राधा के नैनों के नीर को, मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे, कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने, उधो ये तो बता दो के प्रेम के रंग रंग में ज्ञान का रंग चढ़ाओ। वक्त दीजिए, मैं बिल्कुल मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जब तक मैं वही छंद एक बार और सुना देता हूँ। यमुना तट को, वन शिवट को, मन के हट को समझाओगे कैसे, मन के हट को समझाओगे कैसे, राधा के नैनों के नीर को, मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे, कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने, उधो ये तो बता दो के प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओ। कभी प्रेमी के रूप मैं कहीं नहीं सुनाता हूँ, आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं अपनी प्रार्थना आप लोगों से। कभी प्रेमी के रूप में रास रचा कर प्रीत की रीत निभाने लगा, कभी सारथी बन कर अर्जुन को रण की रण नीति सिखाने लगा। भव से भव पारी लगाता है जो खुद बंधन मुक्त हुआ ही नहीं। मैया यशोदा ने एक गांठ कमर पे लगा दी थी उनके और ओखली से बांध दिया था, वो भगवान वो ईश्वर जो हम सबको इस भव से भव पार लगा रहा, वो एक गांठ खोलने में असमर्थ था, क्या कारण रहा होगा।
कभी प्रेमी के रूप में रास रचा कर प्रीत की रीत निभाने लगा। कभी सारथी बन कर अर्जुन को रण की रण नीति सिखाने लगा। भव से भव पार लगाता है जो खुद बंधन मुक्त हुआ ही नहीं। ऐसा कान्हा ने शैशव रूप धरा पुत्र धर्म की रीत निभाने लगा। बेटा सिर्फ और सिर्फ बेटा होता तो ईश्वर नहीं होता। और माँ के आगे जमी से मैं बुलंदी तक जरा मैं घूम लेता हूँ, जो अम्मी साथ हो तो सारी दुनिया घूम लेता हूँ। इबादत मैं भी करता हूँ मगर मंदिर नहीं जाता। इबादत मैं भी करता हूँ मगर मंदिर नहीं जाता। सलीके से महज तस्वीर माँ की चूम लेता हूँ। सुनेगा आखिरी बन आखिरी चार बनते हैं और फिर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। छलिया को छला छल निश्चल से, वो छलिया जिसने सारे चराचर जगत को छला, वो खुद भी छला गया। किसने छला? राधा ने छला। कैसे छला? प्रेम में छला। प्रेम में आप किसी को भी छल लें, वो छल नहीं होता, वो निश्चलता होती है, वो प्रेम होता है, वो प्रार्थना होती है। छलिया को छला। अच्छा थोड़ा सा मेरे को 30 या 40 सेकंड का समय और दीजिएगा, इसकी बहुत अच्छी भूमिका है। राधा बड़ी परेशान हो गई थी, देखिएगा प्रेम व्याप्त तुम सीटी नहीं मार पाओगे, ये प्रार्थना हो रही है। मैं दावा करता हूँ अगर तुम सीटी मार के दिखा दो तो तुम्हारे संस्कार पता लग जाएंगे। आप तो वैसे भी नहीं मारने का, मैं कह रहा हूं मैं वकील हूं भाई, नहीं जीत पाओगे। राधा बड़ी प्रेम में परेशान हो गई, कृष्ण तुम मेरी पीड़ा समझते नहीं हो, तुम्हें कोई आभास नहीं है राधा को कितनी पीड़ा है प्रेम में। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं तो राधा ने यह कहा कि तुम्हें पता लगेगा कि आज राधा की पीड़ा क्या है। तुम मेरे कपड़े पहनो, मैं तुम्हारे कपड़े पहनती हूँ। जब तुम राधा रूप में धारण करोगे ना, जब तुम्हारा हृदय भी राधा जैसा हो जाएगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि राधा की पीड़ा क्या होती है। तो वहां लिखा कि छलिया को छला छल निश्छल से, छल भी एक प्रेम प्रतीक बताया, छल भी एक प्रेम प्रतीक बताया। खुद कान्हा का रूप स्वरूप धरा और राधा ने कान्हा को राधा बनाया। अब तुम समझ जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। खुद कान्हा का रूप स्वरूप धरा और राधा ने कान्हा को राधा बनाया। मुरलीधर के संग रास रचाया, एक दूजे में ऐसे समाए लगा। अब विदा दे दीजिएगा मुझको। एक दूजे में ऐसे समाए लगा जैसे प्रेमी ने प्रेमी को प्रेमी सिखाया।